आरा में इंदिरा आवास आवंटन में रिश्वत की मांग करना एक आवास सहायक को महंगा पड़ गया। लाभुक के शिकायत पर भोजपुर उप विकास आयुक्त शशांक शुभांकर ने जांच के बाद आरोपी आवास सहायक अरुण कुमार सिंह को कार्य साथ की एक लाभुक नुरेशा बेगम की शिकायत पर की गई जांच के बाद मामला सही पाते हुए उप विकास आयुक्त ने सेवा मुक्त करते हुए नवादा थाने में सौंप दिया। मामला उधवन नगर थाने की कार्य साथ पंचायत की है। उधवंत नगर एवं कार्य साथ पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक अरुण कुमार सिंह के नियुक्त हस्ताक्षर से पत्र प्राप्त हुआ है कि इनका सभी कागजात जमा नहीं हुआ है, इसलिए इनके प्रथम किस्त की राशि की निकासी पर रोक लगाई जाती है। वे दो दिन लगातार बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए जा रही हैं। इनके द्वारा यह भी शिकायत की गई कि ग्रामीण आवास सहायक कार्य साथ पंचायत के द्वारा उनसे 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। दिनांक 1/9/2018 को उप विकास आयुक्त भोजपुर के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर अरुण कुमार सिंह ग्रामीण आवास सहायक कार्य साथ पंचायत के द्वारा बताया गया कि कागजात के रूप में लाभुक से इनके द्वारा शपथ पत्र मांगा जाता है और इसी कारण से लाभुक के पैसे की निकासी पर रोक लगाई गई है, जबकि ग्रामीण विकास विभाग पटना से लाभुकों से शपथ पत्र मांगे जाने संबंधी कोई गाइडलाइन नहीं है और न ही लाभुकों के राशि निकासी पर रोक लगाए जाने कोई संबंधी प्रावधान है। इस संबंध में शाखा प्रबंधक के द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्र से पूरे मामले में ग्रामीण आवास सहायक की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है, जिसे के कारण अरुण कुमार सिंह ग्रामीण आवास सहायक को तत्काल प्रभाव से विकास पदाधिकारी उद्वंत नगर को ग्रामीण आवास सहायक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। तत्काल नगर थाना को बुलाकर ग्रामीण आवास सहायक को विद्या भवन से जेल भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त DRDA भोजपुर इस पूरे से सहायक की गिरफ्तारी हुई है। उद्वंत नगर प्रखंड के कार्यसाथ पंचायत के इंदिरा आवास सहायक है अरुण कुमार सिंह, वहाँ की लाभुक थी नुरैसा बेगम, तो उनको अकाउंट में पैसा चला गया था, लेकिन इन लोगों के द्वारा बैंक मैनेजर के साथ बात करके उनके पैसा निकालने पर रोक लगा दिया गया था। तो उन्होंने शिकायत की थी कि 20,000 रुपये की मांग की जा रही है, तो मेरी जांच में शिकायत सही प्रतीत हुई है, क्योंकि बैंक मैनेजर ने माना है कि उनके द्वारा कहा गया था कि पैसा नहीं भुगतान किया जाए, तो इसलिए इनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। सर कैसे सोचना ये मिला इस तरह? लाभुक मेरे पास आए थे ये शिकायत लेकर के कि उनको पैसा निकालने नहीं दिया जा रहा, उनके अकाउंट में पैसा है फिर भी वो नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? उनको सेवा से निकाल दिया गया और उनको FIR करके जेल भी भेज दिया गया। और जो ऐसे करते हैं उनके ऊपर क्या है? जो भी ऐसे करते हैं, पिछले 6 महीने में हमने 20 से ज़्यादा आवास सहायकों पर कार्रवाई की है और अब ऐसी शिकायतें कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी ऐसी शिकायत अगर मिलती है तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। बैंक मैनेजर पर भी कार्रवाई की जा रही है, उनके भी पंजाब नेशनल बैंक को हमने लिख दिया, उनके जनरल मैनेजर और रीजनल मैनेजर को, कि उनको भी सेवा से हटाया जाए। थैंक यू सर।